भाई लोग कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। तो भाई मैं ओटीटी वालों का ही वेट कर रहा था, तुम लोगों का ही वेट कर रहा था, कब लोग तुम लोग मेरी गांड में मेरी आटी में फंसो और मैं तुम लोग की वाट लगाऊं। बिकॉज वैसे मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है तुम लोगों के ऊपर। अच्छा, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं ओटीटी बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, मेरे को बताओ कैसे। अच्छा, कितने लोगों का माइंडसेट क्या है मैं आपको बताता हूँ। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई देखो ओटीटी के ऊपर अच्छी मूवीज भी आती है, थिएटर में भी अच्छी मूवीज आती है। अब थिएटर के अंदर जो भी अच्छी मूवीज आती है वो चलती नहीं है थिएटर में, तो भाई इससे अच्छा तो आप ओटीटी के ऊपर रिलीज कर दो, है ना। कितनों का माइंडसेट इस तरह का है, मेरे को नहीं समझ आता इनको। मैं कैसे, मतलब कैसे अब अच्छी मूवीज थिएटर में लोग देखने नहीं जा रहे तो उसमें मूवी के मेकर्स का तो फॉल्ट नहीं है ना। एंड अच्छी मूवीज थिएटर में आती है तो वो अच्छी मूवीज का जो मेन जो मजा होता है ना वो थिएटर में ही आता है, ओटीटी के ऊपर नहीं आता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा ओटीटी को बाइकॉट करो, बट यार ओटीटी का मैं आपको एक चीज बताता हूँ यार। अभी देखो यार ओटीटी अच्छी चीज भी है। लाइक अगर कोई मूवी हमने नहीं देखी है तो भाई हम लोग उसको मोबाइल पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, या फिर कोई कहीं पे नेटफ्लिक्स वगैरह कोई भी यार ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अमेजोन प्राइम तो वहां से उठा के देख सकते हैं हम पुरानी मूवीज भी। ओटीटी का एक बेनिफिट भी है, बट घंटा ओटीटी के आने से एक सबसे बेकार चीज क्या हुई है मैं आपको समझाता हूं। सबसे बेकार चीज ओटीटी के आने से ये हुई है कि भाई जितने भी डायरेक्टर्स मेकर्स जितने भी है 95% ले लो, ये लोग आज के जमाने में क्या कर रहे हैं, आज के टाइम पे कुछ भी चूतियापा बना रहे, कुछ भी बना रहे। मान लो 50 करोड़ का मूवी का बजट है तो कुछ भी बना के हमको चिपका देंगे, 50 करोड़ का बजट है तो 75 करोड़ 80 करोड़ में ओटीटी वालों को बेच देंगे, उसके बाद घंटा चलती नहीं चलती क्या फर्क पड़ता है, ऑडियंस को अच्छा लगता नहीं लगता क्या फर्क पड़ता है। आप राधे और मोस्ट वांटेड भाई का एग्जाम्पल लो, अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब का एग्जाम्पल लो, यही मूवी अगर थिएटर में आती थी तो कितनी थू थू होती थी, समझ रहे हो ना आप। ये भाई मतलब ये ओटीटी के आने से बहुत कुछ लॉस भी हुआ है। यहां पर मैं ऐसे नहीं बोल रहा ओटीटी को बाइकॉट करो, बट यार मेरे को नहीं समझ आता क्या। अभी देखो यार मेरे को बहुत लोगों ने मैसेज करके बोला कि भाई ये देखो बात कहां से निकली, मैं आपको बताता हूं। आज 83 मूवी ओटीटी के ऊपर रिलीज होने वाली थी और रिलीज नहीं हुई, तो मेरे को बहुत लोग पूछ रहे कि भाई क्यों रिलीज नहीं हुई। तो भाई मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि साला क्या झोलमाल कर रही है लोग। अच्छा, ये झोलमाल क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। अब इसकी भी बात निकली तो पुष्पा पे भी आऊंगा मैं। अभी देखो ये जो पुष्पा द राइज जब थिएटर में चल रही थी तभी ये लोग ने रिलीज करवा दिया, क्योंकि पता था कि भाई पुष्पा द राइज का जो क्रेज है को जिसने देखी भी होगी तो भाई वो 3 4 5 बार आके हमारे अमेजोन प्राइम पे देखने ही वाला है, तो रिलीज कराएंगे तो हमको फायदा ही फायदा है ना। तो ये लोग ने पुष्पा को भी रिलीज करवा दिया, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर उस टाइम पे ये लोग ने पुष्पा को रिलीज नहीं की होते ओटीटी के ऊपर तो और 5 7 10 करोड़ ज्यादा कमाती थी पुष्पा द राइज, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। एंड यार देखो ये लोग को जहाँ फायदा दिखता है ना वहाँ कुत्ते। अच्छा देखो अब 83, अब अगर आप लोगों ने पुष्पा को इस तरह से रिलीज किया तो 83 को भी करो ना, क्योंकि पता है भाई 83 को कोई देखने नहीं वाला, उसको थिएटर में किसी ने नहीं देखा तो घंटा हमारे ओटीटी पे कहाँ उसको झेलने वाला है कोई, तो 83 को ये लोग रिलीज ही नहीं कर रहे भाई। यार मेरे को नहीं समझ आता क्या क्या लो के मेरे को क्या बोलूँ यार, ये मैं क्या बोलूँ ओटीटी के ऊपर। मेरे को यार ऐसा नहीं बोल रहा मैं बाइकआउट करो, बहुत सी अच्छी मूवीज भी आती है। अभी मिनरल मुरली का एग्जांपल लो यार, वो मूवी एकदम सुपर डुपर हिट थी। हाँ मैं मानता हूँ मूवी में इतना कुछ नया नहीं था कि भाई ये मूवी अगर थिएटर में रिलीज होती हिंदी में तो नहीं चलती थी, मैं खुद बोल रहा हूँ। बट यार अच्छी चीज़ें भी रिलीज होती है, बट यार ऐसा नहीं यार, अच्छी चीज़ के साथ हमको उसका जो साइड इफेक्ट है उसको भी देखना पड़ता है यार। देखो 75% देखो मान लो यार 25% अच्छी चीज़ें ओटीटी पे आ रही है तो 75% हमको चूतिया बनाने वाले भी आ रहे हैं, वो चूतिया बनाने वालों का क्या, ये समझ नहीं आता मेरे को। अच्छा यार देखो पुष्पा की बात ही ले तो पुष्पा के बारे में एक बंदे ने मेरे को एक मैसेज किया था कि भाई फैन मेड क्वेश्चन में पिक कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। वो बंदा बोल रहा था कि भाई क्या लगता है पुष्पा द राइज के अंदर मेन विलन कौन होगा। यार देखो मैन विलन सीरियसली बोलूं यार एक्चुअली फहद फाजिल मेन विलन तो नहीं होगा, हम इसको विलन के तौर पे नहीं ले सकते। ऐसा क्यों मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली पुष्पा के अंदर बहुत सारे ऑलरेडी विलन से एंड एक और विलन की तलाश में लाइक सोनू सूद्या वगैरह रॉकी भाई भी हो सकते, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा दीदी बोलते हैं ना। तो भाई इसका जो मेन विलन तो भाई फहद फाजिल नहीं होंगे। हाँ ये बात पक्की है कि फहद फाजिल डेफिनेटली पुष्पा को मारेगा तो वही, क्योंकि वो पुलिस इंस्पेक्टर है। एंड अभी तक हमने जितनी भी मूवीज देखी है भाई जो भी लाइक गैंगस्टर की मूवी लो तो उसमें एनकाउंटर होता है वो पुलिस वाला ही करता है, तो मेरे को लगता है कि भाई एक मेन कड़ी साबित होंगे फहद फाजिल, बट विलन का जो रोल होगा ना रेड्डी वगैरह इन लोगों का होगा, मेरे को ऐसा लगता है, जिस एक मेरा ओपिनियन है। आप लोग को इस बारे में क्या लगता है प्लीज मेरे को बताओ। एंड प्लीज 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 ओटीटी का मैं बाइकॉट करने का नहीं बोल रहा, बट ओटीटी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी है। अभी का एग्जांपल लो यार, इनको पता है कि भाई पुष्पा हमको बेनिफिट दे रही थी एंड 83 हम रिलीज करेंगे तो हमारी गांड फट जाएगी, तो अब ये लोग 83 रिलीज नहीं कर रहे। करो ना उसको भी रिलीज, अगर आप में दम है तो करो, नहीं समझ मेरे को यार, एक यही यार मेरे को समझ नहीं आता ओटीटी के ऊपर प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ यही प्रॉब्लम है यार। 85% सिर्फ और सिर्फ कचरा आ रहा है ओटीटी के ऊपर। अगर 15% अच्छी चीज़ें आ रही है तो अच्छी चीज़ तो हम लोग ठीक है, अच्छी चीज़ तो ठीक है, बट यहाँ पर इसको बिजनेस बना के रखे ये लोग। एंड यार अच्छी अच्छी मूवीज़ के साथ खेल कर दे रहे, अच्छी अच्छी मूवीज़ के साथ खेल कर दे रहे। एंड
अभी आप देखो यार, पुष्पा को रिलीज करा दिया है, डेडी थ्री को रिलीज भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो थिएटर में चली नहीं। अच्छा, ये लोग राधे श्याम को भी 300-350-400 करोड़ ऑफर कर रहे हैं। अबे भाई बैठे रहो ना तुम्हारी दबा के। क्यों? वो प्रभास से है, उसको देखने का मजा थिएटर में ही आएगा, उसको देखने का मजा थिएटर में ही आएगा। एंड यार मूवी के मेकर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, हम लोग इतने टाइम से, इतने सालों से, जब से इंडियन सिनेमा आया, हम थिएटर में मूवी को एंजॉय करते आ रहे, नहीं मजा आता हमको OTT के ऊपर। आप ये डर से कि हमारी मूवी नहीं चलेगी, इस उसके डर से आप OTT को, मतलब OTT के ऊपर ये भेंट मत चढ़ाया करो। सीरियसली मजा ही नहीं आता यार, मोबाइल के ऊपर बैठ के चिपके रहो यार, क्या बिल्कुल फील नहीं आता। प्लीज यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। एनीवेज यार देखो, 83 मूवी मेरे को तो नहीं लगता आएगी, बिकॉज यार ये लोग ने हर चीज में मतलब पैसा बना के रखा हुआ है। एंड 83 अगर ये लोग रिलीज भी करेंगे तो उसको देखेगा कौन? ये 83 एक ही शर्त पे रिलीज हो सकती है, 83 के मेकर्स OTT वाले से पैसा ना ले और फ्री में रिलीज करने को दे तो शायद कुछ काम बन जाए, यही काम बन सकता है, मैं क्या बोल सकता हूं। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड वीडियो को अच्छा लगा हो तो है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।